के पौधे करे चले और ये शिवपुर मार्केट से वार्ता तो ये यहाँ का कोई वो नहीं थी सेफ्टी मैडम यहाँ पे वैसे भी कोई नहीं है आए दिन यहाँ पे हमारी बाइकें भी जाती है तो ये हर दूसरे दिन की ये मामूल है कि किसी ना किसी की बाइक यहाँ से जाती जाती है मार्केट से। तो ये जहाँ पर ये जो थाना है क्या ये जूते उठाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर बस हम तो समझते हैं ऐसा ही है ये सिर्फ पूरी मोबाइल मार्केट मेरे पास वहाँ पर था मैं कराची में थी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये ताले तोड़ के ये दिन दिहाड़े वारदात हुई है मैडम वारदात हुई है ये मगरिब के टाइम की बात है ये पीछे से जो गली लगती है इससे अंदर घुसे वो दुकान की आपको जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मिल हालांकि जहाँ से ये लोग आए हैं ना वहाँ पे मोबाइल मार्केट खड़ी ये मोबाइल खड़ी होती है यहाँ पे अली चौक पे मोबाइल खड़ी होती है और वहीं से वो लोग आए वो उन्होंने तो सेफ्टी दी थी बस क्या कर सकते चले आए चार लोग थे ना चारों आ जाओ मेरे को रखा था पहले तो सारी पहले वारदात के लिए पहले इनको तो मालूम भी नहीं था जब तक उसके बाद मेरा माल उठाया उसके बाद तोड़ फोड़ करने तब मालूम हो सकता तीन बंदे थे बंदूक के नोक पर आके हमारे को बिल्कुल खाली कर गए दुकान अब हम दुकान के लिए परेशान हो रहे हैं क्या करें और कैसे काम कर रहे हैं अरेस्ट हो रहे हैं अपने कम से कम 12 मिनट तक उन्होंने वारदात की है और दूसरी बात किसी को मालूम ही नहीं था अब लाइट गई है 7:45 काउंटर वगैरह दोनों काउंटर तोड़ दिए बाहर फेंक दिए काउंटर वगैरह तोड़ दिए ये दो काउंटर भी तोड़े दुकान के अभी गन पॉइंट पर रखा हुआ था कुछ भी नहीं गोरियों में भर के ले गए जी पुलिस वगैरह भी आए थे ये बोल रहे हैं कि रोजाना आश्रय पुलिस को तो छोड़ दो आप ना ये तो इनकी वो इन्होंने एहतजाजन धरना दिया था एहतजाजन धरना दे के इन्होंने आला चौक पे बैठ गए थे फिर बाद में इन्होंने ये कहा पुलिस को कहा कि आप मेहरबानी करें धरना खत्म कराएं हम एक हफ्ते का टाइम देंगे मगर उसको भी टाइम पे टाइम मिल रहा है 15 दिन से ऊपर हो गए हमें हर बार मेरे मकान पे इस्लाम उठाई वाले के लड़के ने कब्जा कर लिया अब मैं स्कूल से आई हूँ और रास्ते में तुम से आज कहीं जाके नमाज पढ़ूंगी आपको किसी घर छोड़ती हूँ इस्लाम उठाई वाले के लड़के राजपूतों को रोक पानी मेरे साथ जाते हैं ना उसके बाद वो बोलते हैं हमें 2-3 दिन का और टाइम दे देंगे बस मेरा फोन दे दो फोन आएगा मैडम ये तो है जनरल सेक्रेटरी आपके साथ आया सुने ठीक ये मुतासिरीन में से इनके साथ जाती हुई ये बच्चा जाती हुई इनके साथ जाती हुई ये वारदात हुई अब आपको बताने का मकसद ये है कि ये मामला तो हो गए और बहसियत में जो है सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान और शाही बाजार करार माड़ी का सदर हम लोगों ने हमारी एक यूनियन है जैसे आपको पीछे बताया गया कि हमने अपनी कार्रवाई सब करके फिर हमने एहतजाज भी खत्म किया हमारा एसपी जो है सदाम हुसैन खासकर साहब है उनसे भी रब्ता है
और डीएसपी एसएचओ, हमें यकीन दानिया तो करा दी है कि भाई इंशाल्लाह ताला आपके बंदे आए, जब यहाँ इतने जुराइम पेशा लोग आ गए तो फिर तो किसी की ना जान इज्जत माल कुछ भी महफूज नहीं, महफूज तो है ना, दिन दहाड़े आप लोग आ गए, अब आप अपना ध्यान करो, अपना खुद ही कुछ कर सकते हैं, ध्यान करो बेटा बिल्कुल, जो आप अपने ध्यान करो, जो भी हकीकत बताए इनके इतनी वारदात हुई है इन दोनों की, ये रियासत के ऊपर कोई उम्मीद लगा कर बैठी है। अब मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन क्या कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि किसी को माल का वापस मिला हो? ऐसे पूछ नहीं, इतना मुश्किल है बहुत। मैडम आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मेरी दुकान पे भी चोरी हुई थी, लेकिन आज तक मुझे वो माल वापस हो गया। उल्टा ये जरूर हुआ था कि वो FIR मेरे गले पड़ गई थी और मैंने बड़ी मुश्किल से उसको खत्म किया, ये जरूर हुआ। आश्रय भी आश्रय मिले जा रहे हैं कि कल हो जाएगा, हम पहले मजीद परेशान है। एक अब आप लोग दुकान का हाल देखें मैडम, ये दुकान खाली पड़ी है। अब हम लोग लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं सारे, हमारा जो कुछ है वो यही है। अब माल सारा वो चोर ले गए, उसके बाद हमें सिर्फ आश्रय मिल रहे हैं, हम कहाँ से अपनी रोजी रोटी। अब यही मौसम है, अभी जो हफ्ते मात मुकदम के तौर पे करना, मैं वहाँ पर औरंगी टाउन साइड पे गई थी और मैं हैरान रह गई थी कि पूरी जो दुकान थी ना वो जेल की तरह बंद थी और छोटा सा दरवाजा वो खुला हुआ था। मैं आगे के लिए बता रही हूँ, मैं ज़ाहिर है ऐसी कोई बात करके तुम्हारे जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहती कि ये पूरा ही बंद कर लो। जिसने मोबाइल लेना है वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए और वन बाय वन आए, किसी ने पूछना तो छोटी सी खिड़की खुली हुई हो, यही हो सकता है। अब हम इस माशरे में आ गए। मैडम एक बात और भी, जैसे आप यूरोप में रह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हो जाएगा, ये यही हो सकता है कि जितना ज्यादा है इस चीज को और बताना हो, ताकि जो यहाँ पर जो ग्रो हैं कम से कम उनके कान खड़े हो जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ये उन्होंने कोई वादा कर दिया और वो वादा पूरा हो जाएगा, मैं तो नहीं समझती यहाँ पर। हमें बिल्कुल यकीन नहीं है मैडम उनके ऊपर, हमें बिल्कुल एक फीसद भी यकीन नहीं है कि ये कुछ करेंगे। तो फिर आपने हमें दरख्वास्त क्यों नहीं दी अभी तक? बस हम इंशाल्लाह ये भी करेंगे, हम हर हद तक जाने के लिए तैयार, हम हर हद तक इस मसले को हल करने के लिए जाने के लिए तैयार। कि मैंने उस वक्त भी फोन किया था, मैंने मोहसिन को फोन करके पूछा था, उसने मुझे बताया कि ये इस तरह वो सारा करके। फिर जिस वक्त मैंने यहाँ पर किसी और को फोन किया था, किसी और से मुराद थे यही SP साहब तो नहीं थे, लेकिन बस इस तरह होने का, छोड़े मैडम जी 40 लाख रुपए बहुत ज्यादा बता रहे हैं। 20 दुकान हम अगर बाइक लेके भी यहाँ पे चले गए अली चौक पे, हमारा NIC चेक करना शुरू कर देते, उनको कोई रोकने वाला नहीं। ये हुई है, उसके बाद मैडम ये 2 दिन के बाद रोड पे दुकान में मोबाइल लगी, उसका शटर बीच में से उठाया, सरे हम रोड चलता रोड है ये बिल्कुल स्टेशन वाला उठाया, वो कह रहा मेरे पैसे लेके गए मोबाइल नहीं लेके गए, भाई गिरे और उचक के ओहदों पर आएंगे तो यही होगा। अब मैं आपसे करके मैं बताती हूँ कि काश मेरे पास वो होते कि मैं तुम्हारी भी उस पर भी तुम कुछ बताना कि कोई बंदा बेरोजगारों की भेड़ गए ना, दुकान में इतना है लाइट के बिल नहीं, किससे पे अच्छा हुआ ये बंद कर देते, ये गेम लगाते, ये कर नहीं नहीं वो तो पहले की बात है, ये होता तो वो होता, बस ये करने आते हो गया तुम्हारा 80% काम हो गया, ये हो गया वो हो गया, अभी तक हमें तो कुछ नहीं मिला। बस अभी अब यही है कि हुकूमती सतह के ऊपर काम बच्चे पे माइक्रो फाइनेंसिंग में 10-10 लाख रुपए देंगे, 4 दुकान आसान उसमें दें, अपना कारोबार तो शुरू करें, वरना तो क्या मतलब इस तरह होगा। आप भी कोशिश करें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला। नहीं आप बेफिक्र हैं, मैं इधर से जाती हूँ, SSP के पास जाती हूँ, मैं तो उसको बुलाती हूँ, अभी मैंने एक दूसरे से कॉल्स की हूँ, देखती हूँ मैं तो फिर यही हो सकता है, इसका हल यही होता है कि उन्होंने तो अपना काम नहीं करना। ये हो सकता है कि माइक्रो फाइनेंसिंग कम शरह के ऊपर 10-10 लाख रुपए कर्जे दे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके, और वो बहुत मिनिमम उसके ऊपर होना चाहिए इंशाल्लाह, और आप 6 महीने के बाद शुरू हो उसकी किस्त, 6 महीने आप अपना करें ज्यादा से ज्यादा, यही वो हो सकता है। तो फिर देखें बाकी ये देखें, अगर इस SHO के होते हुए यहाँ पर बच्चों की इज्जतें महफूज नहीं है, यहाँ पर ये बच्चों की मतलब रेपिस्ट घूम रहे हैं यहाँ पर, यहाँ खुदा खुदा करें कोई यहाँ पर चल क्या रहे, तो आए दिन दिन दिहाड़े ये सारा कुछ हो गया, ये तो टेस्ट केस होगा, देखते हैं क्या होता है। तो बस फिर कोई भी महफूज नहीं होगा, इसलिए आप सब लोगों को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, ये टेस्ट केस है, ये सिर्फ 4 दुकानें, अगर 4 दुकानों को 3 बंदे लूट सकते हैं तो कल को 10 आएंगे और पूरी मार्केट है वहाँ पर, 2 वहाँ पर खड़े होंगे, बल्कि मेरे ख्याल में 8 पुलिस मोबाइल खड़ी होगी और यहाँ पर मैं आप हैं, आपसे अपना वो बनाओ,
आप अपना पूरा ये बनाया कि क्या है? वो तो एफआईआर में कटी हुई है जो उन्होंने खर्च लिखा पड़ा है, वो खर्च तो लिखा पड़ा है, वो सारा वो उधर करके ना बैंक का ये वो सारा भरो, उसको जमा करवा के तो पैसे निकलवा दे कर्जा अपनी बैंक से। फिर कौन सी बैंक से? फाइनेंस बैंक से, इससे जो माइक्रो फाइनेंस बैंक इससे जो कि हाँ छह तो बहुत हो गए, तो 3 महीने बाद किस्त शुरू होगी, वो भी स्लो में किस्त लेंगे, उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। इनको दे 10-10 लाख रुपए दुकान में, ये तो करेगा यहाँ पर प्याज टमाटर डालकर बेचे, क्या बेचेंगे? ठीक मैडम, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तुम जरा देख रहे आप मैडम को उससे पता करो फाइनेंस बैंक से। हाँ जी ठीक ठीक, फाइनेंस बैंक से पता करके 4 एप्लीकेशन बना के उनके फॉर्म वगैरह ये वो करें, तो ये हुकूमती सतह के ऊपर ही ये स्पेशली जो भी है ये ACDC जो भी है उसके साथ करें। ठीक ठीक, वेरी गुड, बड़ी अच्छी तस्वीर है। अगर ऐसा भी ऐसा और कुछ नहीं हो सकता है, मैं बोलूँगी मुजरिम पकड़ जाएंगे मुजरिम। ये मैं कश्मीर से गुजरी हूँ, इधर रेंजर की गाड़ी, इधर पुलिस की गाड़ी, और मैं वहाँ पर शुरू कह रहे हैं उधर नहीं जाना, फुर्ती थे। अरे दोनों खड़े ठेके पे जलसे दिए जाते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? 4 गाड़ियां जाम छोड़ो जलसे में, 35 मोटरसाइकिले और 1000 जेबें कटी है। मेरे बच्चे का मोबाइल निकाल लिए जब ये यूनुस आई आए थे, वो बटन वाला मोबाइल लेके घूम रहे हैं। चले मैडम को ये चार है ना ये भी शामिल है ना, ये चार में आपका भतीजा है ना, जो लड़का ही भाई है ना, 4 में शामिल है। काम भरो, उधर कर्जा मंजूर करा दिया, 10-10 लाख रुपए का कर्जा दिया है, और 6 महीने बाद लोन वापस आएगा, कहाँ से लेकर आएंगे? जी जी